ओम श्री परमात्मने नमः। इस वक्त आप वैसे जहां अपने परम पूज्य गुरुदेव के पीठ पर बैठा हुआ हूं और एक श्रीमान कानपुर से आए हुए हैं, नाम क्या बताया आपने? सुरेश चंद्र पांडे जी, ये ज्योतिषाचार्य हैं। इन्होंने विश्वविद्यालय या किसी पीठ में जाकर यह विद्या नहीं सीखी है, लेकिन इनके अनुभव, और चूंकि मेरे गुरुदेव के ये शिष्य रहे हैं, नहीं तो मैं, आप जानते हैं कि मेरी ज्योतिष वगैरह के प्रति कोई विशेष अभिरुचि नहीं है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या संबंधी भी जो परम पुरुषार्थ है उसके संदर्भ में गुरु द्वारा दी गई वह तत्व विद्या को भी इतना सरल रूप में इन्होंने ग्रहण किया है, तो उस ज्योतिष विद्या का, जो कि नारद जी भी शोक को उपलब्ध हुए तो जाकर कहा गुरुदेव से कि मैं ज्योतिष विद्या, छंद विद्या, सारी विद्याएं जानता हूं, शोक से मुक्त नहीं हुआ, तो ये तो ब्रह्म विद्या के प्रति भी ये समझ रहे हैं इनका दायित्व। तो, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में जो ज्योतिष विद्या का क्या महत्व हो सकता है, तो उसका एक संक्षिप्त परिचय सुरेश चंद्र पांडे जी देने जा रहे हैं, और आप सब लोगों को इनसे संपर्क करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इनसे आप संपर्क करेंगे, मुझे नहीं संपर्क करेंगे। बोलिए, अपना नाम लेकर के बताइए प्रभु। आप थोड़ा सा खींचिए, वहीं तो प्रभा। मेरा नाम सुरेश चंद्र पांडे और मैं कानपुर में गीता नगर में, हाल मुकाम मेरा गीता नगर है, पूर्व निवासी में हमीरपुर जनपद ग्राम मजेठा का रहने वाला हूँ। अब बताइए, आपके अनुसार ज्योतिष विद्या क्या है, इसकी क्या प्रासंगिकता है और क्या उपयोगिता है, और आपकी अनुभूति क्या रही है, कुछ खास खास बताएं, आम लोगों के लिए बताएं इस विद्या की उपयोगिता। हमारी ज्योतिष विद्या का आशय यह है कि ये एक तत्व विज्ञान है और पांच तत्वों का ही पसारा ये सारा संसार है जी। इस पांच तत्वों की विशेषता जानने के लिए हमने इस विद्या के का अनुसरण किया। ये विषयों का संसार है और जब तक हम इस सत्ता को अपने आप को जानने के लिए, जब तक हम इन माया तत्व का अनुसरण नहीं करेंगे, विषयों की जानकारी नहीं करेंगे, तब तक अपने आप को भी जानने में समर्थ नहीं होंगे। आपसे एक, एक एक आग्रह करूंगा, अब सब कुछ जो आपको कहना है 15 से 20 मिनट में आपको रख देना है संक्षेप में, मुख्य मुख्य बातें जो सबको जाननी चाहिए, जो लाभप्रद होनी चाहिए और कहना चाहते हैं, 15 से 20 मिनट में सब संपन्न हो जाएगा वीडियो। तो प्रत्येक जीव अपने माता पिता से जन्मा है और माता पिता से भिन्न संतानें नहीं होती हैं। उनके संस्कार, उनके गुण, उनका कारण शरीर लेकर सांस में अपना प्रारब्ध लेकर के व्यक्ति अवतरित होता है धरती पे। व्यक्ति के अंदर माता पिता से संस्कारों का जन्म मिलता है। माता पिता द्वारा जो शक्ति संचय है उसका प्रादुर्भाव पुत्र में होता है। माता पिता से भिन्न कोई भी संतान नहीं हो सकती। हमारे ज्योतिष में हम 36 रेखाओं के बारे में अध्ययन करके ये जान पा रहे हैं कि जिसके धर्म रेखा होती है, जो जन्म से ही प्रकट है, सारी रेखाएं सब जन्म से ही प्रकट हैं, समय आने पर ये दशाओं के प्रभाव से इनका अस्तित्व देखने को मिलता है। धर्म रेखा होने पर व्यक्ति के जीवन में धार्मिक प्रवृत्तियों का अधिक प्रभाव होता है। धार्मिक प्रवृत्तियां सतोगुण का कि प्रचुरता धर्मरेखा में पाई जाती है, जिसके चलने से व्यक्ति के सुकृत और धर्म के प्रति आस्था, सद्गुणों का विकास उसके जीवन में संभव है, जिससे उसे संसार में रह करके भी विशेष कष्टों का अनुभव नहीं होता। उन सारे कष्टों से निवृत्ति के लिए उसकी चेतन शक्ति काम करती है, उसका विवेक काम कर
करता है, उसकी बौद्धिक क्षमताएं भी उसकी सहायक होती हैं। कर्म रेखा से आशय ये है कि कर्म रेखा प्रारब्ध से वो भी है कि आप कैसे माता पिता की संतान है, कैसे परिवार में आपने जन्म लिया, कैसे आपको के संस्कारों में का विकास हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, इसको स्पष्ट कीजिए और स्पष्ट बोल रहे हैं। ये तो अब जो हमारे यहाँ जो जो प्रारब्ध कर्म की जो व्यवस्था है, तो आप कह रहे हैं कि जो रेखा है, जो हमारे माता पिता के और पूर्वजों के जो संस्कार रहे और जो कर्म रहे, वो सूक्ष्म रूप में उस रेखा में परिलक्षित होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? बहुत बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़िए। सूक्ष्म रेखा में प्रकट होते हैं। हाँ। और हमारी कर्म पहले से माता संस्कारों से निर्धारित देखने को मिलते हैं। फिर गृह दशाओं की बारी आती है जो पंच तत्वों का ही समावेश है, पंच तत्वों का ही यह पसारा है, और इन पंच तत्वों के बारे में ही उनसे मिलने वाली ऊर्जा आपके कर्म में सहायक होती है। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य आपका शक्तिशाली है, बलवान है, इसमें पावर है, और नवग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। सूर्य नवग्रहों के विन्यास को प्रभावित करता है। सूर्य के साथ सूर्य एक ज्वलनशील सत्ता है जो आपके कर्मों को जलाती अथवा शुद्ध कर्मों का विकास करता है, अशुद्ध कर्मों को जलते समय आपको शारीरिक मानसिक कष्टों की अनुभूति होती है। अच्छा, बहुत बहुत ही गंभीर मौलिक विज्ञान यहाँ पर आ रहा है। अनुभूति होती है। सूर्य से यदि मंगल मिलता है तो अंगारक योग उत्पन्न होता है, एक अंदर विमलता उत्पन्न होती है, एक ऐसी शक्ति जो आपको सूर्य के साथ मंगल के उपस्थित होने पर मंगल कुपित हो जाता है। दोनों में ही एक ही तरह की ऊर्जाएं हैं, दोनों ऊर्जाएं आपस में उनके संघर्ष से एक निर्मलता और मांगलिकता की का बोध होता है, और आगे आने वाले कार्यों में आपके आपके पुरुषत्व को ये जागृत करता है, आपके कर्मों की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ने में मदद करता है। और सूर्य के साथ मंगल मिलने पर अंगारक योग होता है, आप कैसे जीव हैं, आपको तपाने का प्रयत्न करता है और आपको उलझन में डाल देता है, और ये उलझन आपको सुलझाने और सुलझे हुए जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा सूर्य के साथ मंगल का प्रभाव होता है। यदि उसके साथ में सूर्य मंगल बुध भी मिल जाता है, बुध वायु तत्व है, शरीर में स्पंजी मसल्स बनाता है, हमारी आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धियों पर पड़ता है जिससे सारी इंद्रियों में चैतन्यता आती है। ये इंद्रियां अपने भूख प्यास मिटाने के लिए आपकी मति गति को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो आपको इनसे कैसे बचना है? आपके सूर्य मंगल बुध के आपस में मिले होने पर सबसे पहले तो इस योग को समझना है कि सूर्य के साथ बुध मिलेगा तो आपकी बुद्धि में बुध आदित्य योग होकर के आपको सरस्वती का आपके अंदर सरस्वती या शुद्ध ज्ञान की क्षमता है, आप उस शुद्ध ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और मंगल आपको तपोनिधि बनाएगा, तपस्या कराएगा, आपको प्रभावित करेगा, और इन तीनों के योग से आप सेल्फ मेड आत्मनिर्भर होकर के आगे अपने जीवन का विकास कर सकोगे। और ये बताता है कि तुम्हारे पास इतनी क्षमताएं हैं, तुम सुपर बुद्धि और विवेक वाले हो, तुम अपने जीवन को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हो, तुम्हें
पैतृक संपत्ति, तुम्हें अन्य किसी की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी सौहार्दता, तुम्हारे अंदर ओबेडिएंसी, अनुशासन व्यवस्था, आपके हनुमान जी जैसे कर्मों की व्याख्या करते हैं कि हनुमान जी का स्वभाव कैसा था, उनके गुण कैसे थे। उनका गुण था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्यम लोक उजागर। वो हनुमान तुम ही हो, तुम ही जय के प्रतीक हो, तुम्हारे अंदर ही वो जय पाई जाती है। तुम अपने हनु अपने मान को से विलग हो जाओ, हनु इसको मार डालो, इसे अपने मान को जो जैसे ही आप समाप्त कर दोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो तुम्हारा आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। वाह जी वाह। तो ज्ञान के ही अस्तित्व धारक हो, अपने स्वरूप को जान जाओगे, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। हमारे पूर्वज कपि हैं, तो विकसित कपियों के विकसित स्वरूप कपि ईश हो। सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, जय कृष्ण, जय कृष्णमूर्ति उसको सुपर कॉन्शियसनेस कहेंगे, और बिंदु उसी को सुपर कॉन्शियसनेस और सुपर ह्यूमन बीइंग बोलेंगे। जय कपीश, तुम लोक उजागर, तुम्हारा प्रकाश तो समग्र संसार में, समग्र विश्व में, जड़ चेतन सचराचर में, पेड़ पौधे पक्षियों में, सब में फैला हुआ है। वाह जी वाह। संपूर्ण ज्ञान का अधिकार रखता है, और तू ही तो, केवल तेरे सिवा इस संसार में दूसरा है। अरे वाह वाह वाह, सर्व प्रकाशक है तू, दूसरा सब प्रकाशी है, तू एकमात्र प्रकाशक है, तू सर्वत्र प्रकाशमान, और इस अपने स्वरूप को जान के हमें हनुमान चालीसा। गुरुदेव की ऐसी तो कृपा मैंने देखे ही नहीं, ज्योतिष विज्ञान का ऐसा द्वैता, धन्य हुए हम तो। कर्म हमारी भाग्य रेखा आपको निर्देशित करती है, तुम ये सब कुछ करने के लिए सक्षम हो। ये ऐसे तमाम ढेर सारे योग हैं, सबकी अपनी अपनी दिशा है। ईश्वर ने विभिन्न कार्य, ईश्वर ही विभिन्न रूपों में पाया जाता है, विभिन्न कार्यों को विभिन्न लोगों को सौंप दिया, विभिन्न रूपों में वो परिणित होकर विभिन्न कार्यों को सृष्टि के संचालन में संपूर्ण सहायक बनकर वो विभिन्न रूपों में प्रकट है। दुर्गा जी को सुम्भ जैसे दानों को मारने के लिए रथियों से लड़ने के लिए रथी का रूप धारण करती हैं, और घोड़े पर सवार होने, घोड़े वालों से लड़ने के लिए घोड़े में सवार होती हैं, पैदल वालों से पैदल लड़ती हैं, तलवार वालों से तलवार से लड़ती हैं। तो विभिन्न अस्त्रों को एक ही दुर्गा जी ने अनेक रूप धारण करके सुम्भ जैसे दानों या ये अंधकार में के प्रोत्साहन देने वाले, अज्ञान को प्रोत्साहन देने वाले, तमोगुण को वरिष्ठ बनाने वाले सुम्भ निशुम्भ को मार गिराती है। अब आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूं, अभी आपको हाईजेक करूंगा मैं। प्रश्न एक जो है, मैं तो अभिभूत हूं और गुरु की कृपा पर बहुत है, मैं देख रहा हूं, इसके अलावा संभव नहीं था, ये व्याख्या कहीं कल्पना नहीं की जा सकती है। अब ये बताओ कि जो परम पुरुषार्थ है वैदिक सनातन संस्कृति में, जिसे आत्मबोध आत्म ज्ञान कहते हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, उससे उसमें भी ये ज्योतिष विज्ञान की, क्योंकि आपने तो इतना सुंदर उदाहरण दिया, और तो आप संक्षेप में 2 मिनट में बताओ कि जो हमारा जो परम पुरुषार्थ है, अपने अंदर शिवत्व का, दिवत्व का, दिव्यत्व का, जो सर्व प्रकाशमान जो चैतन्य सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है, उसको भी प्राप्त करने में इस ज्योतिष विद्या की भूमिका हो सकती है, सहायक हो सकता है, ये बताओ आप। तो मैं आपको हर तरह की आपकी यह मदद करूं। ज्योतिधन ईश, ज्योतिष ब्रह्मा का नेत्र है, ज्योतिष ही परम सत्ता के नेत्र है, ज्योतिष आत्मबोध का ही सब्जेक्ट है, ज्योतिष
मोक्ष दायिनी है, वाह वाह, ज्योतिष ज्योति धनीश, तुम्हारे अंदर का वो प्रकाश, ज्योतिषाम अपि तद्ज्योतिहि तामसः परमुच्यते ज्ञाता ज्ञेयम् ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विश्रितम्। कृष्ण बोल रहे हैं 13वें अध्याय में। वाह वाह, तो ज्योतिष 5 तत्वों का विश्लेषण, 5 तत्वों में के उत्पन्न गुण, आप शहद को देखते हैं, शहद के गुणों को नहीं देखते, और जब आप उनके गुणों से अभिभूत हो जाते हैं तो आपको शहद के उपयोग भी और उसके हानि लाभ भी आपके सामने आने लगते हैं। ऐसे ज्योतिष में के प्रकर्षण से हम आपके क्षमताओं को, आपके अज्ञान की ओर बहने वाली गतिशीलता तमोगुण के प्रभाव को राहु शनिश्चर के नाम पर व्यक्त करते हैं। राहु माने अज्ञान, अंधकार, भय, भ्रम, इससे मुक्त, वाह वाह, इससे मुक्त करने की बात आपसे कहते हैं। और शनि हृदय का मालिक होता है, न्याय तत्व का अधिकारी होता है शनि, जो हृदय आपको, आपकी आत्मा आपको बता ही देती है ये गलत है, आपको संवेदनाएं पैदा करता है शनि, और उन संवेदनाओं को जड़मति से आप जब स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपको दंड देने लगता है, ये शनि का प्रभाव होता है। और केतु जो समाज को तोड़ने, व्यवस्थाओं को तोड़ने की सोच रखता है, जो अहंकार के वशीभूत होकर जो समाज को तोड़ना, अपने कर्तव्य से अपने आप को मोड़ना, वंचित रखना, आप में क्षमताएं हैं, आप उस विधि विधान से, उस नियम के अनुसार आप अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो आपको सफलता की कगार पर वापस कर देता है केतु। केतु ऐसा कोई ग्रह नहीं है या कोई भी ग्रह, सारे देवता ही हैं, ये सब देते हैं लेकिन ये आपके गुणों को परिलक्षित कराते हैं, और उन्हें जानने के बाद यदि आप अपने आत्मबुद्धि लगाकर सुधारने का प्रयत्न करते हो तो ये सारे ग्रह सिर्फ देवता ही हैं और ये सब आपके ही आदेश का पालन करते हैं, उनका अपना कोई आदेश नहीं है। वाह जी वाह। पांडे जी ने जो आज क्रांतिकारी ये ज्योतिष की व्याख्या की, अब मैं संक्षेप में आम लोगों के लिए केवल 2 पंक्ति कहूंगा, और आज तक शायद मुझे भी गलतफहमी होगी। जिस प्रकार से परम तत्व को, चरम सत्य को, जो परम पुरुषार्थ है, जो उपनिषदों का विषय है कि जिस एक सत्य को जान लेने से सर्वस्व जान लिया जाता है, तो यह जो हमारा परम पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि में भी जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो है साधन, आप साधना तो करते हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं पांडे जी कि आप अगर आत्म ज्ञान के भी पिपासु हैं, अपने परम उस तत्व को जानना चाहते हैं, तो वह जो ज्योतिष विज्ञान है आपके अंदर, वे सारे दिव डिवाइन एंटिटी को ही देव कहते हैं, लुमिनस और चैतन्य ज्योति ही देवों की देव है, तो उस विद्या के आलोक में कि आपके अंदर किस ऊर्जा का, और ये सारे मान करके बैठे हैं नक्षत्र कहीं आसमान में, ये सारे के सारे आपके अंदर बैठी है समस्त ऊर्जाएं हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसके अनुसार संतुलन करके जब जीवन जिए तो पारिवारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, सामाजिक दायित्व का निर्वहन, और अंततः अपने परम पुरुषार्थ आत्म तत्व को प्राप्त होकर के जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जो सब जीवों का लक्ष्य है, उसमें ज्योतिष विज्ञान बहुत सहायक हो सकता है। और यह विज्ञान है जैसा कि कम से कम अभी मैंने पांडे जी के मुखारविंद से सुना, तो अभी आप लोगों को यहां तक इसके संदर्भ में सूचित करते हैं और पांडे जी की कुछ विद्याएं आप तक और पहुंचाएंगे, इनका संपर्क देंगे। हरिओम हरिओम हरिओम।